शुरू करते हैं अपन, है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अपन, है। तो 18 की बात कर लेते हैं अपन। भाई क्वेश्चन नंबर 18 में अपन को, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 में डिफरेंट पॉसिबल थर्मल डिकम्पोजिशन पाथवेज फॉर परोक्सी एस्टर्स आर शोन बिलो। मैच ईच पाथवे लिस्ट वन विद द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फ्रॉम द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देख लेंगे। पहले क्वेश्चन देख लूंगा। ओके, इसमें अपन को मैच करके देता ना है, करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, लेकिन क्योंकि एक बार में पढ़ने से जरा क्वेश्चन ना एकदम से मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, ताकि क्वेश्चन को ना पढ़ने में थोड़ा सा मजा आए। ये कह रहा है कि पी वाले में ना देख रहा हूं क्योंकि उधर ना वो थोड़ा सा आज पता नहीं रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है मुझे लग रहा है, और रिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं आ रहा। नहीं, ठीक है, चलेगा। तो अपन क्या करेंगे ना, P में पता उसने कहा P है और CO2 लिबरेट कर रहे हैं अपन, और इसमें R डॉट और RO डॉट दोनों बन रहे हैं, ये लिख रहा ना R डैश, इधर वाला R डैश है, तो R डैश O बना रहा है अपन को, चलेगा। दूसरे वाले में ना Q लिखा हुआ है और कह रहा है माइनस CO2 इधर भी लिबरेट कर रहा है, ठीक है भाई। और फिर ये कह रहा है कि R डॉट है और प्लस R डैश O डॉट है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि फिर उसके बाद ना ये क्या कर रहा है कि भाई R डॉट और X डॉट प्लस कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना, ये कह रहा है एक कार्बोनाइल कंपाउंड भी बनेगा। तुम कहेंगे ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड बना देंगे, राइट। फिर ये कह रहा है कि भाई अगर अपन इधर R है, अच्छा इससे CO2 नहीं निकाल रहा ये, है ना, बाद में CO2 निकालने की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको देख लेंगे जो भी है। प्लस R डैश O डॉट है और फिर उसके बाद ये R डॉट प्लस X डॉट और कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें भी है, ठीक है ना, प्लस कार्बोनाइल कंपाउंड, तो ठीक है लिखेंगे अपन भाई कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड अपन इसमें भी लिख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई इधर R के बाद ये S है, और S में ये कह रहा है कि इसमें भी ना मैं CO2 डॉट ऐसे रेडिकल बनाऊंगा, R डॉट O रेडिकल बनाऊंगा और फिर इसमें CO2, अच्छा इसमें भी CO2 है ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि फिर उसके बाद मैं R डॉट और RO डॉट बनाऊंगा, R डॉट एंड RO डॉट बनाऊंगा, अच्छा ठीक है। पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि करना क्या चाहता है। अच्छा, अपन तो क्वेश्चन में ऐसे गिवन था कि इस बॉन्ड को ना आप हाइड्रोलाइटिकली ब्रेक कर सकते हैं, इस बॉन्ड को आप हाइड्रोलाइटिकली नहीं होमोलाइटिकली ब्रेक करना होगा, मतलब रेडिकल जैसे, तो अपन को ये रेडिकल्स मिलेंगे। अब पी पाथ से मतलब ये लिस्ट बताने अपन को, अच्छा P और ये जो पाथ है इसमें अपन को लिस्ट बना के बताना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो अच्छा P में ये बनेगा कंपाउंड और ओके 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 ओके, तो अपन को क्या गिवन है ना, अपन को ऐसे गिवन है, मैं एक बार बना दूं है पूछ क्या रहा है वो, अपन को कम से कम पता तो रहे। ये ना अपन से ऐसे पूछ रहा है, इधर गिवन है P Q R और S, और इधर जो 1 2 3 4 लिखा है ना ऐसे, ये 1 2 3 4, तो ये कह रहा है कि आप P को 1 से 3 से मैच कर लो या P को 2 से मैच कर लो, इस टाइप से मैचिंग बतानी है अपन को, बता देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले थोड़ा क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लूं कि P में 1 क्या होगा। ओके, पता है वो क्या बोल रहा है, P में उसने जो कंपाउंड बना रखे ना इधर लिस्ट 2 में, इधर लिस्ट 2 में उसने कंपाउंड दे रखे हैं अपन को, चार कंपाउंड,
वो चारों कंपाउंड्स में देखो एक बार उसने ऐसे लिखा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ और इधर सी एच लिखा हुआ है ऐसे। फिर ये तो कंपाउंड वन है, कंपाउंड टू में उसने लिखा हुआ है सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ और एक बार उसने लिखा हुआ है फिर ओ और फिर ऐसे इधर लिखा हुआ है उसने सी एच थ्री। फिर उसने लिखा है थर्ड कंपाउंड में, थर्ड कंपाउंड में उसने लिखा हुआ है सी सिक्स एच फाइव सी एच टू और फिर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर ओ और बाद में उसने लिखा है सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री और इधर लिखा उसने सी टू पी एच ऐसे लिखा हुआ। ठीक है भाई, अब उसने यहां पर लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट है देख सी सिक्स एच फाइव और फिर उसने लिखा है इसको सी डबल बॉन्ड ओ और इधर ओ इधर ओ और इधर लिखा है सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड पी एच, ये लिखा हुआ है अपने पास, ये लिखा है भाई। अब अपन चेक करते हैं कि अपन को करना क्या है, अब अपन थोड़ा सा ये चेक करते हैं कि अपन को करना क्या है। ठीक है, अब देख राइट अपन क्या करेंगे अपने लिए आर और आर डैश, मतलब ये जो है ना इसमें पहले मैं ये रख दूं, अपन चेक कर लेते हैं। अब देख ये वाला अपने लिए आर होगा और ये वाला आर डैश होगा, ठीक है, ये अपने लिए आर होगा और ये वाला आर डैश होगा, ये आर डैश है ये आर है। पता अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे कि अगर मुझे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करना है तो मैं इसको कर सकता हूं और मैं इसको कर सकता हूं, इन दोनों को नहीं कर सकता, व्हाट इज सो, क्योंकि जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा ना तो बेंजाइलिक बनेगा और बेंजाइलिक रेडिकल तो स्टेबल होगा भाई, इस केस में क्या बनेगा मेरे पास ऐसे बना C6H5CH2 रेडिकल, हाँ ये स्टेबल है बेंजाइलिक रेडिकल, ये स्टेबल नहीं है भाई, C2H5 रेडिकल कैसे बना सकते हो आप, इसमें तो रेजोनेंस भी नहीं होगा, वो बेंजीन पे ही रेडिकल बनाते हैं कार्बन, ये अच्छी बात नहीं, वो अनस्टेबल है। ये तो पक्का चल पता चल गया मुझे कि अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो मैं इसको आर डॉट, ये आर डॉट बना सकता हूं मैं, मतलब ऐसे कोई कंपाउंड जो आर डॉट बना रहे होंगे, मतलब ब्रेक होके आर डॉट बना रहे होंगे, ये मुझे पता चल गया कि वन और थ्री ही होने चाहिए वो आर डॉट वाले, वो क्यों, तो ठीक है ना भाई, आर डॉट ये इजिली बन जाएगा ना बेंजाइलिक बनेगा, तो ये बेंजाइलिक नहीं बनेगा ना टू और फोर, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप आर डॉट बनाना चाहते हो तो इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करोगे, अगर उस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां रेडिकल स्टेबल बनना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो ये CO2 निकल जाएगा क्योंकि ये भी रेडिकल होगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन से अपन डबल बॉन्ड बना देंगे तो CO2 निकल जाएगा, तो RO डॉट ये R डैश O डॉट बचा और R डॉट बच गया मेरे पास, तो फिर को क्या पता चल गया भाई, देखो जिसमें आप R डॉट बना रहे हो ना उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे बेंजाइलिक ग्रुप होने चाहिए, इन दोनों में ही बेंजाइलिक ग्रुप हो सकता, तो अपन कहेंगे ठीक है मान लिया आपने CO2 दोनों में पहले ही निकाल दिया आपने, तो ये CO2 निकल गया, तो R डॉट इसमें बन रहे, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है इसमें क्यों नहीं बन रहा R डॉट, हाँ तो ये स्टेबल नहीं है ना, इधर इधर ऐसे बनाएंगे तो ये थोड़ी स्टेबल होता है, अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं, ठीक है अपन ने मान लिया। अब बाकी इतना सारा लिखा है ये सब क्या है, चलो R डॉट ये बन गया, R डॉट ये भी बन गया, R डैश डॉट इसमें बन गया, इसमें बन गया, अब R डैश से ये कैसे बनाऊं कार्बोनाइल कंपाउंड, तो बनेगा ना कार्बोनाइल कंपाउंड किससे, अब इससे तो बना नहीं सकता कार्बोनाइल कंपाउंड, इससे बना सकता हूं कैसे, आप यहां से CO2 निकालो, ये CO2 निकल गया, ये R डॉट बन गया, अब जो ये डॉट होगा इससे मैं बनाऊंगा रेडिकल, कैसे बनाऊंगा रेडिकल, तो देखो कैसे, अब मैं यहां पर लिख देता हूं उसको, भाई मेरे पास ये रेडिकल आ गया, इसको मैंने ऐसे लिखा CH3 CH3 एंड
CH2PH। अब अपन क्या करेंगे, ये सारे के सारे होमोलिटिक फिजल बॉन्ड हैं, तो अपन कहेंगे देखो मैं ऐसे ब्रेक कर दूंगा, ये क्या बन गया कीटोन, दैट्स अ कार्बोनिल कंपाउंड। और ये क्या बना मेरे पास, बेंजाइलिक रेडिकल। हाँ तो बेंजाइलिक रेडिकल बन रहा है इसलिए मैं कर सकता हूं भाई, आर रेडिकल बन गया, एक कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, राइट ना भाई, आर रेडिकल बन गया, एक कार्बोनिल कंपाउंड बन गया अपने पास, और ये बेंजाइलिक रेडिकल बन हो गया। हमने क्या किया, आर डैश ओ को, आर डैश ओ मतलब ये पूरा ले लिया था अपने, तो इसमें क्या आर डैश जो था ना, आर डैश एक बड़ा ग्रुप था ऐसे, तो अपन को कार्बन कंपाउंड भी मिल गया, ये पीएच सी एच टू रेडिकल भी मिल गया, और ये बना था अपने पास एल्कोक्सिक, तो अपन ने कंपाउंड बना लिया, हो गया। इससे तो कार्बोनिल कंपाउंड बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसको मैं आरओ डैश ले लेता हूं, आर डो आर डैश ओ रेडिकल ले लेता हूं, तो आर डैश बन सकता है, ये ऑक्सीजन का क्या करें, कोई उसमें कार्बोनिल कंपाउंड थोड़ी बन सकता है, बहुत सारे कार्बन एटम है इसमें, तो मैं इसका कार्बोनिल कंपाउंड बना सकता हूं। तो अपन को किसने क्या बता दिया, अपन को ये बता दिया कि ये जो आर ग्रुप है सेंस ये स्टेबल है, ये स्टेबल होना चाहिए, इसमें ये अनस्टेबल है, इसलिए देखो नहीं ब्रेक हो रहा, मतलब आर और एस टू और फोर में से कोई एक होना चाहिए, आर और एस टू और फोर में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन अपन को ये पता है आर के केस में कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा तो फिर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब इसको मैं फोर से इसको मैं टू से मैच करूंगा, और इसमें मैं कहूंगा CO2 तो इसमें वन से मैच करूंगा, और इसको क्योंकि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड भी बन रहा है तो R डैश को बल्कि मतलब बड़े काफी सारे कार्बन एटम होना चाहिए, तो इसको मैं थ्री से मैच करूंगा, लो भाई मैंने सारे मैच कर दिए, कैसे बताना है उनको, बता सकते हैं भाई कैसे कंपाउंड ब्रेक होंगे और किस तरीके से अपन बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कब ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहां पर मेनली जो हमें ये ग्राफ गिवन था, जो मैप गिवन था, हमें मैप के हिसाब से सोचना था कि जब ये ब्रेक होंगे ना बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर लो अपन तो कहते हैं भाई स्टेबल रेडिकल बनना चाहिए, हमने उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 भी पूछा है किसी ने, अपन 19 भी बताते हैं उसको, है ना। 19 वाले में गिवन है HBr का एडिशन गिवन है, बता देते हैं भाई एक कंपाउंड, वैसे ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है 19 वाला, ये क्लास में क्वेश्चन तब भी करते हैं अपन जब एग्जाम में नहीं आए थे, और जब एग्जाम में आए तब भी अपन कर रहे हैं क्लास में, कम से कम 40-50% क्वेश्चन अपना ऐसे होगा जो अपन ने क्लास में किया होगा और वो आपके एग्जाम में होगा, कंसेप्ट तो अपने 100% होंगे। अपन से कहा गया वन इक्विवेलेंट HBr, ठीक है, ये तो क्लास में आपने बताया हुआ है, डाइन जब पढ़ाया था तब बताया था आपने, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, HBr का एडिशन करना है, हाँ भाई ठीक है, तो H प्लस आयन को अटैक करो, इधर क्यों नहीं, क्योंकि 1 डिग्री कार्बो, इधर तो अटैक करूंगा तो 2 डिग्री बनेगा, इधर अटैक करूंगा तो इसमें 3 डिग्री बनेगा, तो पहले तो मैं उधर अटैक करूंगा जहां मुझे ज्यादा स्टेबल कार्बो का अटैक करे, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, हम सबको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो फिर आगे पॉजिटिव चार्ज कैसे रिएक्ट करेगा, जिस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल है आगे रिएक्टिविटी उसी की होगी, इस पर भी आर एड प्रोडक्ट, यू गॉट द प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, लो भाई अपना प्रोडक्ट बन गया, ये अपना मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये अपने क्लास में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखते हैं, 21 में गिवन है अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच गिव्स टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है भाई, तो वो कह रहा है कि जितने रिएक्शन आपने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं मैं, तो किसमें बताओ ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा,
देख लेते हैं भाई कितने दिया आपने। तो अपन ऐसे करते हैं, मेरे पास बेंजीन है और इसमें आपने लिखा हुआ है दैट इज NaO CH3, NaO इधर अपन को गिवन है दैट इज Br CH3 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 और Br गिवन है और इसको रिएक्ट किया है NaOCT से। अब तुम्हें याद होगा ये बेस होता है, आप याद करो मैंने बेसिस बताया था NaOCT। अगर ये बेस होगा तो ये एलिमिनेशन शो करेगा, मतलब इन दोनों के रिएक्शन से मुझे ये मिलेगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, किसी एक से हाइड्रोजन रिमूव कर लो और डबल बॉन्ड ये मिलेगा। अब इसका इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा ना जब तक आप इसका कार्बोकैटायन नहीं बनाओगे, और कार्बोकैटायन बनाने के लिए मुझे या तो H+ आयन अटैक करवाना होगा या किसी एसिड को ऐड करना होगा, लेकिन बेस के रहते हुए मैं इसको कार्बोकैटायन नहीं बना सकता, बेस के रहते हुए मैं इसको कार्बोकैटायन बना ही नहीं सकता, वरना मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कर लेता, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कभी बेसिक मीडियम में नहीं होते। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में अपन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को अटैक करवाते हैं इस पे, तो बेस के प्रेजेंस में कभी इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं सकता, इसलिए ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता मेरा। अब मैं बी ऑप्शन चेक करता हूं क्या गिवन है अपन को। बी ऑप्शन गिवन है अपन को, बी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। बी ऑप्शन में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन और इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ये AlCl3 के प्रेजेंस में है तो AlCl3 इस पे अटैक करेगा, इसको हटाएंगे अपन, 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले में देखो ये गिवन है मुझे अपन बेंजीन के साथ। अगर ये होगा तो मैं आपसे बोल रहा था ना कि एसिड के प्रेजेंस में ही अपन इसमें कार्बोकैटायन बना सकते हैं, तो सी वाले में तो कर सकते हैं क्योंकि सी वाले में आपने इसको ले रखा है, एसिड ले रखा है और बेंजीन ले रखा है, तो H+ आयन अगर अटैक करेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करता है, दैट विल फॉर्म द रिएक्शन। लास्ट वाला इट्स करेक्ट बट इज सो बिकॉज अल्कोहल है तो मैं क्या करूंगा कार्बोकैटायन बना लूंगा, और कार्बोकैटायन क्योंकि BF3 इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, BF3 है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना। अच्छा अब एक और बात में मैं थोड़ा सा मतलब मैं उसको जनरल वे में जब अपन पढ़ रहे थे तब मैं नहीं बोलता हूं, उसको बार बार मेरे दिमाग में आ भी रहा था लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर मान लो राइट ना मैंने आपसे कहा कि हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे, विल नॉट मेक 1 डिग्री कार्बोकैटायन, हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाते हैं ये अपन को पता है, अपन क्या करेंगे बट इफ 1 डिग्री कार्बोकैटायन कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट, सिंगल रीअरेंजमेंट then we can proceed reaction. With formation of one degree carbon. मतलब अगर मेरे पास ऐसे given है, suppose करते हैं मैंने आपको ऐसे लिखा, मैंने आपसे कहा आपने ना ऐसे बनाया, एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास गिवन है CH3 CH2 CH2 OH और मैंने इस पे HBr का एडिशन किया, तो मैं इसका प्रोडक्ट ऐसे लिखूंगा दैट इज SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो
तो फिर मैं इसको इस पे अटैक करूंगा, आई विल गेट दैट CH3 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 CH2 और इसमें OH2 OH is not a good leaving group, लेकिन अगर OH2 होगा तो अपन ये कार्बोकेटिंग बनाते हैं। कार्बोकेटिंग का क्यों बनाएंगे? बिकॉज आपने मुझे बताया है कि 3 डिग्री का स्टेबिलिटी इतना ज्यादा होता है कि अगर अपन इस पे इसको पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे, तो यहां पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा अगर ये 1 डिग्री से डायरेक्टली 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन के अच्छे लीविंग एबिलिटी की वजह से वो लीव कर जाएगा, राइट ना? और फिर उसके बाद क्या होगा, तो अपन इसमें बता देते हैं कि भाई फिर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ये बना सकता, मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन वहां पर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली क्या बता दूंगा कि जब ये हटेगा तो ये ऐसे ना, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि अपन ऐसे रिमूव कर सकते हैं। हम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन डायरेक्टली 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है एक ही 1-2 शिफ्ट से, तो फिर अपन बनाते हैं 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि फ्री कार्बोकेटाइन बना, जैसे जैसे कार्बोकेटाइन बन रहा था वैसे वैसे ये माइग्रेट होकर डायरेक्टली इस पे आ गया था साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर उसकी जगह ऐसे होता, अपन कहते भाई अगर ऐसे है तो बताओ क्या करें फिर, मान लो मेरे पास ऐसे करें, तो अपन कहते हैं HBr के साथ इसमें तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा भाई, चाहे कुछ भी कर लो आप, क्योंकि ये पहले इससे इस पे शिफ्ट होगा, इससे शिफ्ट होगा, तो एक बार में शिफ्टिंग से ही 1 डिग्री से 3 डिग्री नहीं बन रहा, इसलिए इसका प्रोडक्ट ऐसे ही होगा, ये 1 डिग्री SN2 से ही होगा। लेकिन इसमें मैं SN1 दिखा सकता हूं, व्हाट इज सो, SN1 मैंने इसलिए किया इसमें बिकॉज अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली 3 डिग्री बन रहा है तो आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बता सकते हो कि वहां बन जाएगा कार्बोकेटाइन यहां पर, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा एक ही शिफ्टिंग से, तो जैसे ही ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए अपन प्रोडक्ट ये बता सकते, फिर अपन ऐसे बता देते ये प्रोडक्ट बनेगा। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था कि पहले अपन ये देख लें कि आपके दिमाग में पहले अच्छे से चला जाए भाई कि देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है, लेकिन अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री डायरेक्टली बन रहा है तो बना देगा, लेकिन अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, नहीं बनाऊंगा, आपने लाभ लिखा हुआ है साहब साहब, अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री डायरेक्टली बन जाए एक ही बार में तो फिर आप बना देना, वो ध्यान रखें। तो मैंने वहां पर जब अपन पढ़ते हैं सीक्वेंस में तो वहां कुछ मैं मिक्स नहीं करना चाहता वरना अपन को थोड़ा प्रॉब्लम, तो पहले ये पढ़ लिया तो डी भी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 भी है शायद, 22 में लिखा हुआ है Br2CHCl3, ठीक है, तो CHCl3 इज अ सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म, जैसे CCl4 होता है, दैट्स लाइक अ सॉल्वेंट, तो ये भी एक सॉल्वेंट है जैसे CCl4 होता है, हाइड्रोजन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, थोड़ा पोलैरिटी डाला और कुछ भी नहीं, तो अपन को पता तो है सिज और ट्रांस है तो कार और टेम बनाने, एंटी एडिशन है ना Br2 है तो एंटी एडिशन करेंगे और बता देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, इसमें अगर कुछ बाकी होगा तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 20 वाला भी कोई बोल रहा है बताने के लिए, अपन देख लेते हैं 20 वाले में क्या गिवन है। 20 वाले में Br2 गिवन है अपन को 1 मोल, हाँ तो ठीक है Br2 1 मोल गिवन है, तो अपन को बताना है कि 1 मोल Br2 से अपन क्या बना सकते हैं, ठीक है, तो अपन ऐसे बना देते हैं, मैं इसको हटाता हूं। अपने पास जो कंपाउंड गिवन है वो ऐसे गिवन है अपन को, दैट इज CH3 CH2 CH2, इधर Br है इधर H है और ये बोल रहा है CH3 है, क्या बोल रहा है ये? पहले ये कह रहे हैं इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट, ओके, मतलब मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट पूछ रहा है और क्या पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है भाई बता देते हैं उसमें क्या Br2 है
वन मोल लिखो, वन मोल तो बहुत ज्यादा होता है, वन इक्विवेलेंट होता है, तो अपन वन बीआर बोलते हैं, वो भी 380 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सबका ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें ना ये इनेंशियोमेरिकली प्योर है, तो रहे ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, आर आइसोमर है। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है अपन को, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर बनाऊंगा तो ये आप एक आर ऐसे ही होगा भाई। लो भाई ये सी एच थ्री रहेगा, ये एच रहेगा, ये बी आर रहेगा, इधर सी एच टू, सी एच टू बी, सी एच टू बी आर हो गया, बस हो गया। दूसरा अपन लिखेंगे तो ऐसे बना लेंगे भाई, ये बी आर था, दूसरा बनाऊंगा तो सी एच टू सी एच, इधर बी आर लिखता हूँ और इधर सी एच थ्री लिखता हूँ, इधर बी आर है और इधर एच है और इधर सी एच थ्री है, ये काइरल सेंटर हो गया, इसके दो काउंट करूंगा। इधर लिख लेता हूँ भाई, ठीक है, तो इधर लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा ये वाला भी, इधर बी आर है, इधर एच है, इधर सी एच थ्री है और इधर लिखूंगा तो ये हो जाएगा क्या, इसको ना डीएल लिख देता हूँ ताकि अपन को पता रहेगा क्या कर रहे हैं। इधर बी आर है, इधर सी एच टू है, इधर सी एच थ्री है, इसके भी डीएल हो गए, राइट, इसके भी डीएल हो गए। तो अपन कहेंगे अब इसमें भी डीएल बना दिया अपन ने, तो ओके ठीक है, इसके भी डीएल काउंट कर लूंगा। अब अपन क्या करेंगे, अब इधर बना देते हैं तो एक प्रोडक्ट ऐसे बन गया, अब इधर भी बी आर है, इधर भी बी आर है, ये हाइड्रोजन हटा के बनाया ना मैंने, सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री हो गया और ये भी सी एच थ्री हो गया, एक ये हो गया और एक मैंने ये बना दिया सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, एक बार इधर सी एच टू बी आर लिखते हैं और इधर बी आर है और इधर एच है, तो क्या लिखा उसने, नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, या क्या, अच्छा मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन है, नंबर ऑफ पॉसिबल काइरल प्रोडक्ट्स पूछे इसमें, राइट ना, तो लिख सकते हैं भाई नंबर ऑफ पॉसिबल काइरल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, तो ये पांचों काइरल हो गए, उसने सिर्फ काइरल पूछा है जिनके नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर, उसने नंबर ऑफ प्रोडक्ट थोड़ी पूछे, उसने तो पूछा नंबर ऑफ काइरल प्रोडक्ट, तो ये सारे हो गए अपने लिए, तो काइरल प्रोडक्ट पांच हो गए। तो ये अपने लिए काइरल प्रोडक्ट होगा फिर, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें 17 की जगह 300 क्यों लिया हुआ है, तो उसकी मर्जी, जितना चाहे ले ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होगा, रिएक्ट तो रेडिकल रिएक्शन से ही करेगा। अब पार्ट टू की बात करते हैं, पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा होता है किसी ने, तो क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर लेते हैं भाई। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एक्सेप्ट ईथीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, भाई ईथीन के अलावा कोई भी बनेगा एसिड कैटलाइज तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा या फिर टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि ईथीन के अलावा ऐसे भी हो सकता है और ईथीन के अलावा ऐसे भी हो सकता है, तो टू डिग्री भी बन सकता है, ईथीन के अलावा कोई भी एल्कीन पूछा उसने, अगर कोई भी एल्कीन होगा तो बताओ वो कितने डिग्री के अल्कोहल बन सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अगर ईथीन होता तो अपन कहते भाई दोनों में से किसी पे भी लिखो वाटर का एडिशन, वन डिग्री अल्कोहल तो हो जाएगा, लेकिन ईथीन के अलावा कोई भी लिखोगे तो ज्यादा स्टेबल कार्बन पे तो लिखोगे प्रोडक्ट, टू डिग्री एंड थ्री डिग्री। अब अपन दूसरे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर जो पूछा था अपन से, 63 पार्ट टू ऑफलाइन 1 and 10, फिर ऑनलाइन भी पूछे, तो पहले मैं ऑफलाइन की बात कर लेता हूं, वन भी पूछा था किसी ने, What is the product of acetylene reacts with hypochlorous acid? HOCl, पता तो है बिल्कुल। भाई अगर ट्रिपल बॉन्ड में HOCl को ऐड करोगे, तो क्लास में बताया तो है मैंने, इसको हटाओ, एक बार HOCl और फिर एक बार HOCl। लो भाई, तो इससे दो वाटर मॉलिक्यूल है तो ऐसे बन गया,
डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बन गया मेरे पास, क्या बना, थ्री वाला ऑप्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा था, मैं आपके सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। किसी ने 8 और 9 भी पूछा था, तो मैं 8 9 10 तीनों ही बता देता। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स द रिंग, नो, रेंडर द रिंग बेसिक कैरेक्टर, नो, डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नो, इट डीएक्टिवेट्स द रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। भाई अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल को ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो रिएक्ट कैसे करेगा। एट वाले में बताया मैंने, नाइन्थ वाले में द इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग टू जनरेट द इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, ऑफ द फॉलोइंग विच सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैव लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी का मतलब हो गया मैक्सिमम स्टेबिलिटी। चलो देखते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है सबसे, बाकी सब में NO2L। अगर इस रिंग में कहीं भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो NO2 का कुछ तो मतलब इफेक्ट होगा ना उस पे, पर माइनस इफेक्ट ही अज्यूम कर लो, फर्स्ट वाले में तो NO2 है ही नहीं, दैट शुड बी मोर रिएक्टिव। पक्का? क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। पॉसिबल मोनोक्लोरो कंपाउंड्स, अभी तो बताया ये लिखा था मोनोब्रोमो, अपन ने इसमें कहां काउंट किए कायरल कंपाउंड्स कितने बनेंगे, कायरल कंपाउंड्स तो अपन ने बताया, तो इसमें कायरल कंपाउंड कितने बनेंगे, एक दो तीन और ये चार, ये इसका एक काउंट किया अपने, इसका एक काउंट किया अपने और इसके दो काउंट किए अपन ने और इसका एक काउंट, तो अपन ने पांच आंसर बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसमें काउंट कर लो भाई। इसके इसके कैसे बनाए आपने, ये तो एक, इसका एक, इसके दो क्यों बोले और इसका एक क्यों बोले, तो पता तो अपन ने ये इसी कंपाउंड से तो काफी बार पढ़ा हुआ है, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन अपना, तो बिल्कुल उस टाइम फिर से वही पूछ लिया अपन से कि भाई ऐसे कैसे, तो अपन ने कहा कि भाई इसमें ऐसे क्यों, तो बन जाएंगे देखो ना आर ये फिक्स है ना, तो इसी को ही तो कायरल सेंटर लेंगे, ये आर है बस, इसको क्यों किया, क्योंकि इसमें आपने अब इस कंपाउंड का आपने क्यों दो क्यों नहीं, जबकि इसके दो किया आपने काउंट, तो इसमें तो ऐसे हो गया था, आपने एक तरफ बी आर लिखा, एक तरफ एच लिखा, एक तरफ सी एच थ्री लिखा, इधर सी एच, अगर इधर बी आर लिखूंगा तो इधर एच लिखूंगा, ऊपर सी टू एच फाइव लिखूंगा, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती इस वाले में, लेकिन और ये फिक्स है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकता इसके, ये वाला पार्ट फिक्स है, सिर्फ इसी से बताया मैंने डीएल, ये वाला पार्ट तो आपने फिक्स कर रखा है आर, और इस वाले पार्ट में अपन ने जो लिखा हुआ वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे लिखोगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल नहीं है, ऐसे लिखोगे तो कायरल मानूंगा, तो इसका एक काउंट कर लिया मैंने, इसलिए इसका एक काउंट किया, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इसमें तो फिक्स यही है एक, इसमें भी एक ये है, इसमें अपन ने दो काउंट किए क्योंकि ये कायरल सेंटर था, ये वाला पार्ट तो फिक्स है और उसमें कायरल सेंटर ही नहीं है। तो 10th का आंसर 4 दिया है, बट इससे 2 आना चाहिए ना, मोनोक्लोरो तो पूछे उसने, इसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो पूछे अपन से, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल इन मोनोक्लोरो कंपाउंड्स, तो चार ही तो बने, इसमें क्या था ना, इसमें पहले एक इसलिए काउंट कर रहे हैं कि मैं इसको डीएल नहीं बोल सकता ना, इसमें तो है डीएल, ये ले देख, इसमें पर तो कुछ फिक्स नहीं किया ना, क्या फिक्स है, तो एक बार इधर वाला जो बनेगा इसका डीएल, एक बार इधर वाला जो बनेगा उसका डीएल, इसका डीएल, इसका डीएल, मोनोक्लोरो था वहां, मैं सीएल लिख देता हूं, तो चार ही तो बने उसमें, तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं आप दो, तो आपने कहा तो है क्वेश्चन में कि ये फिक्स कर रखा है, इसको दो काउंट नहीं कर सकते आप, और ये
कुछ है ही नहीं उधर तो। अब अपन ने कहा इधर कायरल सेंटर बन रहा, लेकिन अपन कहेंगे अच्छा इसका डीएल काउंट करो, लेकिन एक में तो प्लेन हाउस मिट रही है तो दो कैसे काउंट कर दोगे, ये तो कायरल ही नहीं है, एक ही तो हुआ जब बी आर दोनों अपोजिट अपोजिट होंगे तो एक काउंट किया अपन ने। इसमें इसमें तो प्लेन हाउस मिट्री बन ही नहीं सकती, तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें प्लेन हाउस मिट्री नहीं है तो चार काउंट कर लो, अपन के चार कैसे काउंट हो जाएंगे, ये वाला तो फिक्स कर रखा है आपने, इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसको तो आर लिखा रखा है आपने, तो चार डिफरेंट ग्रुप लेके मैं इससे दो काउंट कर लूंगा, इस वाले से अपन कहेंगे एक इससे काउंट कर लो, क्योंकि भाई ये तो कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन आर तो काउंट करोगे, बोलो किसी को डाउट है तो बोले। अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जब किसी का ज्योमेट्री फिक्स हो जाए ना तो उसको अलग अलग काउंट नहीं करना, वो एक ही मतलब एक ही एटम में ऐसी मतलब अपन इसको ना इस कायरल सेंटर से डीएल नहीं बता सकते, वो तो आपने फिक्स कर दिया। आप सोच लो, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताओ, अब अपने पास था दूसरा क्वेश्चन, रुको मैं देखता हूँ। टेंथ के बाद और कोई क्वेश्चन था क्या इसमें, या ऑनलाइन पे चले? ऑनलाइन से पहले कोई और क्वेश्चन है क्या? एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ऑनलाइन से पहले और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं देख लेंगे ऑफलाइन वाला। पार्ट वन ऑफलाइन का कुछ लिखा था ऑफलाइन में, एक सेकंड है ऑफलाइन में रुको। ऑफलाइन में 8 और 11 भी है, ऑफलाइन में 8 और 11 भी है, तो पहले मैं 11th की बात कर लेता हूं। विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर मास 72 यूनिट, मतलब 72 यूनिट मतलब AMU, गिव्स ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइलाइड, तो दिख ही रहा इसमें कितने आइसोमर बन सकते हैं मोनोक्लोराइसोमर, एक ही बन सकता है, किसी से भी हटाओगे हाइपोक नेम लुमेन से, टेंथ का आंसर हाँ मतलब 4 दिया है, मतलब आंसर 4 मतलब कंपाउंड सिर्फ 4 बनेंगे, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल लिखता वो स्ट्रक्चर तो अपन 6 बताते। फिर उसके बाद अपन को गिवन है दूसरा क्या था, एक और क्वेश्चन नंबर 8 है ऑफलाइन का, 11 भी पूछा था, 11 बताया ना मैंने, 8 बताना है मुझे, 8 बता दिया मैंने, 289 ये भी बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया, और ऑनलाइन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है ऑनलाइन का, ऑनलाइन के क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को गिवन है, ये अभी तो बताया मैंने जब शुरू में नहीं वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब अपन ने बता मतलब वो किया था कि किसमें टर्शरी ब्यूटाइल किसमें बनेगा, बताया तो था मैंने, आपने लिखा है मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, कोई बात नहीं इसको आप चाहते हो इससे रिएक्ट करें, आपने कहा H+ आयन से अटैक करो, तो अपने बताया तो H2SO4 ना H2SO4 इस पे अटैक करोगे तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप है उसके पैरा पे अटैक करवा देंगे, मतलब ये इस पे अटैक करेगा तो अपन को ऐसे मिलेगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो मैं यहाँ अटैक करवा दूंगा, तो मैं प्रोडक्ट ऐसे बना दूंगा, बेंजीन है पैरा पोजीशन पे, इधर क्लोरीन है, इधर मैंने ये वाले कार्बन को अटैच कर दिया, तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर H बना इधर CCl3 बना, ये बन गया। अब अपन क्या करेंगे, अभी एक मोल और है तो H2SO4 से फिर रिएक्ट करो, फिर H+ इसको हटाएगा OH को, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा
CCl3। इधर Cl तो दूसरा बेंजाइल क्लोराइड सर है अपने पास, इसको इधर अटैक करो तो अपने पास एक और बेंजाइल क्लोराइड आ गया। पैरा पोजीशन पे Cl, पैरा पोजीशन पे Cl और उसके पास एक हाइड्रोजन, ये तो बन गया ना अपने पास डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी, डीडीटी का प्रिपरेशन होता है। CH3CHO को Cl2NaOH से रिएक्ट करो, विल गेट दिस। इसमें डाइक्लोर बेंजीन ऐड करो, विल गेट डीडीटी। चलो दूसरा देखते हैं, मैं सारे बताऊंगा। ठीक है ठीक है, मुझे 15 भी 7 8 भी बताने हैं तो पहले 7 बता देता हूं। सेवेंथ वाले में Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या बताना बताओ? पता तो है अपन को भाई, आपको पता है ना कि भाई एल्कीन है, एल्कीन में Br अगर इस पे रिएक्शन करना है डबल बॉन्ड पे तो Br2CCl4 ले लो, HBrN परोक्साइड ले लो। लेकिन अगर आप Br2 लिखोगे और सनलाइट, ऑब्वियस सी बात है, अगर रेड द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये लो दैट विल बी द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एट क्वेश्चन, सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे फिर क्लेमेंशियल रिडक्शन कर देंगे, तो ठीक है भाई कर देते हैं। सक्सेनिक एनहाइड्राइड क्या होता है आपने बताया क्लास में, तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन हो भाई। पता क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग अलग नाम से तो पूछ लेते हैं, वो कंसेप्ट वही रहता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं। इसलिए अपन सारे क्वेश्चन जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होता है होमवर्क करने के लिए, क्योंकि स्कूल का काम भी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो ना तो अपना काम हो जाएगा। तो आपने कहा सक्सेनिक एनहाइड्राइड अपन को पता तो है, आपने क्लास में करवाया तो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में, ये इस पर अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी, क्योंकि तो सिमेट्रिक है तो एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो अपने पास बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज। इधर सी एच टू लिख लेते हैं, इधर भी सी एच टू, इधर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ ए एल सी एल थ्री, इस पे नेगेटिव चार्ज, उधर पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था इसलिए अटैक किया अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन इससे उसको दिया, उस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो अपन ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया, ब्रेक किया तो आई गॉट दिस। अब बेंजीन से रिएक्ट करवा दो, अगर बेंजीन होता तो अपन कहते बेंजीन पे अटैक करवा लेंगे, लेकिन बेंजीन में पहले से एक ग्रुप अटैक होता है, ठीक है तो वो और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है उस पे, उसके हिसाब से अटैक करवा देंगे। सो आई गॉट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, तो यहां से इसको इस पर ज्वाइन कर देते हैं और प्रोटॉन निकाल के इसको OH बनाते हैं, क्योंकि AlCl3 तो कैटलिस्ट था, तो मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं। यहां पर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, मैंने ज्वाइन कर दिया, वहां से प्रोटॉन हटा के एक प्रोटॉन हटा लिया और इससे हटा दिया एक CH2, एक और CH2, एक C डबल बॉन्ड O और एक O AlCl3, जो प्रोटॉन यहां से निकलेगा उससे इससे रिएक्ट करके OH बना दूंगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब अपन ये चेक करते हैं आगे क्या किया उसने, तो अपन को बताया गया कि भाई ठीक है इसमें आगे जो अपन को करना है ना वो अपन चेक कर लेते हैं। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं फिर इसको एसिड के साथ रिएक्ट करूं, या तो हीट करो या कोई H2SO4 वगैरह एसिड, उसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है अपन को, लेकिन कंपाउंड देखने के बाद पता चल रहा है आपने साइक्लाइजेशन किया है क्योंकि आपने दो रिंग बनाए, तो अपन क्या करेंगे,
या तो हीट करो तो आप इसको अटैक करो तो इस पे पॉजिटिव, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन अगर OH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए ऑक्सीजन पे तो इट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप, तो फिर इसको हटा देते हैं तो मेरे पास फिर कार्बोकोटैंक बन गया। अगर मेरे पास फिर कार्बोकोटैंक बनेगा तो आई कैन राइट लाइक दिस, इधर अपन क्या करते हैं एक सी डबल बॉन्ड है अपने पास, उससे दो सी एच टू अटैच्ड है, बना दिया मैंने दो सी एच टू, और उन दोनों सी एच टू से मैंने एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और बनाया, जैसे इसको हटा के बनाऊंगा तो फिर वो कार्बन को अटैक करके मैं दूसरा सिक्स मेंबर रिंग बनाऊंगा, ये बन गया मेरे पास। अब क्लेमेंशियल रिडक्शन कर दो, क्लेमेंशियल रिडक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप के सी डबल बॉन्डो को सी एच टू में कन्वर्ट करते हैं अपन, लो भाई कर दिया क्लेमेंशियल रिडक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक का अमलगम होता है, तो अपन ने कहा ये तो मेरे पास ऐसे था, अब इसको और CH2 और CH2 में कन्वर्ट कर दिया तो ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए अपने पास, और यहां पर पहले से क्या था अपने पास, इसके पैरा पोजीशन पे OCH3, तो जहां अटैक किया था उसके पैरा पोजीशन पे OCH3, जहां अटैक किया था उसके पैरा पोजीशन पे OCH3 होना चाहिए, तो अपन प्रोडक्ट बता देंगे। तो जहां आपने रिंग बनाया है तो रिंग का जो कार्बन एटम, क्योंकि इस पे जो ये कार्बन अटैच कर रहे हो उसके पैरा पोजीशन पे, तो जहां पर एक कार्बन है उसके पैरा पोजीशन पे, तो ये कार्बन था इसके पैरा पोजीशन पे OCH3 होगा, तो इसके पैरा पोजीशन मतलब इसके पैरा पोजीशन पे OCH3 है तो इसके पैरा पोजीशन पे OCH3 है। चलो भाई प्रोडक्ट बता देते हैं, वन आंसर होगा। इलेवेंथ वाला पूछा है किसी ने अपन से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो सबसे कम एक्टिवेटेड कौन सा होगा इसमें, ए वाला, क्यों, क्योंकि भाई ये तो बेस है, इसको एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता हूं मैं, इसको मैं कभी एसिड के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकता, तो इसका नाइट्रेशन करना मुश्किल है, ये तो एसिड बेस रिएक्शन से करेगा, इट्स अ बेस, ये तो AlCl3 से भी रिएक्ट नहीं कर सकता, ये तो फेडलक्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं देता, रीजन यही तो था कि AlCl3 इज अ एसिड और वो पहले एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा, तो अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ये, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब अपन क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा वो देख लेते हैं, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा वो देख लेते हैं, सबसे कम रिएक्टिव तो यही होगा क्योंकि इसको डायरेक्टली इसका नाइट्रेशन नहीं हो सकता, तो अगर मान लो इसका नाइट्रेशन करना है तो क्या करें, क्योंकि नाइट्रेशन करोगे तो एनिलीन मस्ट नॉट बी ट्रीटेड डायरेक्टली विद एसिड्स, विद एसिड्स, अगर मान लो मेरी मर्जी मैं तो ऐसे करूंगा, अब बताओ क्या हो गया इसमें, क्या प्रॉब्लम है, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं ऐसे बना दूंगा NH2 NO2 बनेगा, NH2 NO2 बनेगा, और इसमें भी NH2 और NO2 बनेगा, ये 2% होता है, ये 47% होता है, ये सिर्फ 51% होगा, मतलब मेटा वाला ज्यादा बनेगा, मेटा वाला ज्यादा क्यों बना, क्योंकि H+ आयन इस पे अटैक करके, H+ आयन इस पे अटैक करके इसको डीएक्टिवेटिंग बना देगा विथड्रॉइंग ग्रुप, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो मेटा सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो ठीक नहीं होगा रिएक्शन। तो अगर इसका नाइट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, अपन काफी सारा नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो अपन कहेंगे इसमें अगर आप नाइट्रेशन करना चाहते हो ना तो बेस्ट मेथड विल बी लाइक दिस, पहले आप क्या करो, जैसे मैंने अपन को पहले भी बताया होगा, आप पहले क्या करो इसमें कि आप पहले इसको ना आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल से रिएक्ट करवा लो, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका लोन पेयर ना इस पे अटैक करेगा सीएल को लीव करेगा, तो अपन को ऐसे मिल जाएगा, ये जो एनएच टू था ना तो ये एनएच सी डबल बॉन्ड ओ आर मिल जाएगा, तो कैसे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे ना इसको तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक प्रोटॉन हटा देंगे और इससे सीएल, तो HCl रिमूव हो गया एंड वी गेट दिस,
अब इसमें क्या होगा, अगर अपन इसका नाइट्रेशन करेंगे ना तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, व्हाट इज सो, बिकॉज एम्फाइड्स आर एम्फोट्रिक, तो वो इतना बेसिक नहीं है कि प्रोटॉन डायरेक्टली इस पे अटैक करे, तो उस केस में अपन कहेंगे कि इसका नाइट्रेशन हो जाएगा, और वो भी कहां पर, पैरा पोजिशन में, तो अपन लिखेंगे इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा NO2 बना देते। अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो अपन को पता है ये तो अमाइड है ना, ये जो बनाया अपन ने ये तो अमाइड है ना, आपने नाइट्रेशन किया तब भी ये नाइट्रोमाइड हो जाएगा ना, और अगर वो अमाइड होगा तो अपन को पता है कि अमाइड या कोई भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस एसिड या बेस हाइड्रोलिसिस इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द रिस्पेक्टिव राइट ना, इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये अमाइंस वापस बन गया। हाइड्रोलिसिस मतलब ये ऑलराइट लाइक दिस, ऐसे वो डैश बनते ना इधर OH इधर H, लो भाई प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोलिसिस का। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस ग्रुप को अमाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, अमाइड से फिर ये बना देंगे, इधर ये बनेगा तो, लेकिन ये 51% बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन यहां पर मोर देन 90% ऐसा बन जाए। तो बाकी अपन ने फ्रेडलग्राफ रिएक्शन में भी लिखा हुआ NH2 NHR NR2 दे डू नॉट गिव दिस फ्रेडलग्राफ रिएक्शन, रीजन बिकॉज HCl3 इज अ एसिड एंड दिस इज अ बेस, इसलिए ये बहुत स्लो रिएक्शन देगा, रीजन बिकॉज NH2 विल शो एसिड बेस्ड रिएक्शन रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 भी पूछा है किसी ने, ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसो कंपाउंड्स फॉर्मड इन द रिएक्शन इज, देखना पड़ेगा तो मैं देख लेता हूं भाई कितना रिएक्शन बना ऑप्टिकली एक्टिव। मुझे एक रिएक्शन ऐसे ही मिला, इसमें डबल बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन है इधर ऐसे, और इसमें आपने HBr का एडिशन किया, ठीक है भाई H+ आयन को अटैक करता हूं इस पे लोन पे, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन है, इसलिए बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है भाई। यहां पर अपन ईथर का रिएक्शन कर रहे हैं ना, आपने कहा था ना कल कि ऐसा कोई भी एटम जो कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड हो तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्जुगेशन होंगे ना, वहां यहां पर ये कॉन्जुगेशन होता ना ऐसे, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये तो 2° कार्बोकैटायन बनेगा ना, हाँ तो 2° कार्बोकैटायन मतलब ऐसे है ना, ये CH3 है ये CH है और ये CH3 है, इधर CH3 है इधर CH2 है इधर CH3 है इधर CH2 है इधर CH3 है डायरेक्टली, हाँ उधर एक वैसे नहीं है, ठीक है क्या करें हम, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना, अब अपन देखते हैं इसमें क्या पूछा था उसने, द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो स्ट्रक्चर सही बनाया मैंने, हाँ बिल्कुल सही बनाया मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपन क्या करेंगे इसको ब्रेक करते हैं तो वी गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, एक तो मुझे ऐसे मिला डबल बॉन्ड मिला और CH2 इधर OH बन गया, ये CH होगा और OH बन गया अपने पास, प्लस ये मिल गया एक अपने पास दैट इज CH3 CH OH एंड CH3, ये तो ऑप्टिकली नेगेटिव है, इसको टॉटोमराइज करूंगा ना, अगर टॉटोमराइज तो टॉटोमराइज करने से आई गेट CH3 CH2 इधर मिलेगा अपन को CH और इधर CH2 OH और इधर मिलेगा CH3, इसमें काइरल सेंटर मिला मुझे, इसमें काइरल सेंटर मिला मुझे, अब उसमें काइरल सेंटर मिलेगा तो वी कैन नो दैट कि भाई प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं, तो इसमें तो मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, उसने पॉसिबल वर्ड यूज किया क्या, तो अपन एक बार चेक कर लें, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्मड इन द रिएक्शन इज, कैन बी फॉर्मड इन द रिएक्शन इज, अब प्रॉब्लम यह है
कि उसने आंसर टू भी दे रखा है और फोर भी दे रखा है। और अगर मान लो, क्योंकि अपन ने मोस्टली अपन को ये बता रहा था कि भाई बेंजीन से अगर कोई ऐसा एटम अटैच है जिसके पास लोन पेयर है तो अपन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, लेकिन वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इसलिए अगर अपन इसको ब्रेक कर देना तो अपने पास ज्यादा बन जाएंगे कंपाउंड। अगर अपन इसे ब्रेक करें तो विल गेट लाइक दिस, इसको ब्रेक करने से। तो अगर उसको मैं ब्रेक करूंगा जैसे इसको ब्रेक किया तो ऐसे इससे ब्रेक कर देते हैं तो अपन को ऐसे मिल जाएगा भाई CH3CH2 C डबल बॉन्ड CH, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे बनेगा अपने पास, और प्लस ये OH है, CH है, CH3 है और CH3 है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव तो वैसे भी नहीं बन सकता। ऑप्टिकली एक्टिव तो वैसे भी नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा तो अपन को सोच नहीं। हाँ भाई, तो अपने पास जो आंसर आया ना अपने पास, अपने पास जो आंसर आएगा ना, बताओ भाई कितना आना चाहिए आंसर? क्या आएगा आंसर बताओ? हाँ जी, कितना आंसर आना चाहिए वैसे? कितना आंसर बोलूं? टू और फोर? फोर? कैसे? तो टू ही बन रहा मेरा, तो फोर कैसे बन गया? फोर कैसे बना देंगे? टू ही ना, मेरे तो टू ही बन रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। बताओ भाई किसने बताया था फोर? श्रेया ने। बताओ श्रेया कितना बनाया है? अभी भी फोर, अभी वो टू नहीं बता रही, गलत बात है। बताओ फोर बताया तुमने, आंसर कैसे बनेगा फोर? आंसर तो फोर ही है, लेकिन बनाया कैसे मुझे वो देखना है। अच्छा ठीक है, चल छोड़ अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। ये ले, इसमें अपन इजर्ड लिखेंगे, पता क्यों? क्योंकि उसने अपन को लिख के दिया है स्टेप से। अगेन उसने ना पोजीशन अपन को लिख के दिया, ऐसा बना के दिया है। भाई आपको तज़ीम करो, सीजर ड्रॉन्स ज्योमेट्रिक क्रिसमस, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होने वाला अपना किसी भी कंडीशन, बॉन्ड तो वही ब्रेक होगा। लेकिन एक बार अपन ऐसे लिखेंगे और एक बार अपन क्या करेंगे, इजर वो फिक्स करके ऐसे भाई, एक बार इधर से बना देते हैं, एक बार इधर से बना देते हैं ऐसे। तो जब ये बनेगा ना, तो इसमें आप इजेड बताओ टॉटमेरिज्म के पहले, ये लेना, ये बने थे अपने पास। अब टॉटमराइज करो, और अपन टॉटमराइज करेंगे इसलिए उसके चार बनेंगे, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार अपन ऐसे लिखेंगे EZ से, और एक बार अपन फिर चेंज करेंगे एकदम वापस। ये जब इनलाइज होगा ना, ये इनलाइज करो आप, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, ऐसे इनल बना सकता हूँ ना मैं, फिर टोटलाइज कर दूंगा। तो नंबर प्रोडक्ट इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, सोचना मतलब स्टूडेंट के लिए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मतलब तभी तो मार्क्स आएंगे तो मजा आएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक किसी ने नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो गया, अपन एक बार देख लेते हैं। 14 और 15 पूछा है, तो मैंने 14 और 15 बता देना पहले। Br2EtOH, अब उसमें क्या बता रहा है? Br2EtOH का मतलब हो गया भाई आप पहले Br को रिएक्ट करो, ऐसे आपके पास ये कंपाउंड है ना, और Br2 क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला ट्रांस एनुलर बॉन्ड, अपन इस बॉन्ड पे एडिशन जो करेंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले ऐसे कर देते। आप बताओ क्या करना, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, बताओ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश ज्यादा होगा? इसमें तो पोलर इफेक्ट से करते हैं ना अपन रिएक्शन, बताओ कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? जो ज्यादा होगा मैं उससे प्रोडक्ट बना दूंगा, ETOH वही अटैक करेगा जो ज्यादा होगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश ज्यादा है, इट्स अ पोलर इफेक्ट। अपन ने ऐसे काफी रिएक्शन किए हैं क्लास में। अरे बताओ तो भाई, ये बताना तो पड़ेगा अपन को। हाँ बताया बताया बताया, डेल्टा पॉजिटिव इज मोर, वेरी गुड, डेल्टा पॉजिटिव डैश इज मोर। अबे ये तो बेंजाइलिक है, इधर पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो कैसे पता करते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश ज्यादा है? कल ही तो बताया पोलर इफेक्ट्स, बना के देख लो ना कार्बोकोटाइन, इधर पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री, इधर 1 डिग्री, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश ज्यादा है, पोलर इफेक्ट्स, बना के देख लो। इधर हटाया बेंजाइलिक, इधर हटाया इट्स 2 डिग्री, गलती नहीं करना बिल्कुल, ये छोटी छोटी गलतियां हैं और जिसे मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। अब लो भाई 15th वाले में उसने सक्सेनिक एसिड की जगह दूसरा एनहाइड्राइड ले लिया, वो एस्टर ले लिया उसमें, तो क्या फर्क पड़ेगा अपन को? अपन तो वैसे ही बता दे भाई, अब रिएक्शन तो ऐसे ही करोगे ना। अब आपने 5-membered रिंग ले ली और इस टाइम एनहाइड्राइड की जगह एस्टर ले लिया, लो भाई कोई बात नहीं, आप यहां AlCl3 से रिएक्ट करो, अपन को पता है अटैक ऑन दिस, इसको बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको करो, इसको करो, क्योंकि वहां रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनेगा। इसको बेंजीन पे अटैक करवा दो, बेंजीन पे अटैक करवाऊंगा तो बेंजीन है या वैसे, ठीक है, इस कंपाउंड पे अटैक करवाना तो इसमें OH इज मोर एक्टिवेटिंग, उसी के हिसाब से अटैक करो, क्योंकि OH इज मोर एक्टिवेटिंग, तो OH के पैरा पे अटैक करवा देते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा? कितने कार्बन है, 1, 2, 3, इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, और ये इधर CH2OH। अब क्या करूं, तो इसमें AlCl3 के साथ हीट किया है और सभी में आपने बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाया है, तो अपन को पता है आप वापस AlCl3 से अटैक करोगे, इधर कार्बोकैटायन बनाओगे, इधर कार्बोकैटायन बनाऊंगा, और कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो इधर, अब कार्बोकैटायन बनेगा तो मैं यहां भी अटैक कर सकता हूं, यहां भी अटैक कर सकता हूं, क्योंकि रिंग साइज कितना बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर बन सकता है। तो अपन कहेंगे 6-membered बन सकता है, इधर भी कर सकते हैं अपन, तो इधर करूंगा तो इसका ऑर्थो होगा, इधर करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसका पैरा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पे थोड़ा स्टेरिक इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, तो इस तरफ थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन इसमें ना ऑप्शंस दे रखे हैं, चलो अपन ऑप्शन देखते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन 1 डिग्री अगर बना के वो अगर शिफ्ट करके 2 डिग्री भी बना सकता हूं मैं, और 2 डिग्री में क्या 5-membered रिंग बनेगा, वो भी हो सकता है, और अगर कार्बोकैटायन फुल फ्लेज बनेगा तो रीअरेंजमेंट करूंगा मैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रीअरेंजमेंट ना करूं तो आप किसी ऑप्शन में 5-membered रिंग नहीं बनाना, बनाया तो फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है? तो मैं पहले ऑप्शन देखता हूं, भाई ऑप्शन में तो आपने 5-membered रिंग बना रखा है और 6-membered रिंग भी बना रखा है, दोनों ही बना रखे हैं, और 5-membered रिंग और 6-membered रिंग दोनों ही बना रखे हैं। अब मुझे जो रिएक्शन करना होगा, जो रिएक्शन देखना होगा, उसमें मैं फंस जाऊंगा अच्छे से। तो बने मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कौन सा होगा,
और इसमें क्या बना रखा है अपने, अल्कोहल बना ना अपने पास. मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट? तो अपन बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कौन सा होगा अपने पास, तो कहेंगे भाई अपन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं. तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है. मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास अब चॉइस है, मेरे पास ऐसे OH पे ही अटैक करेगा और CH3 है, अपन ने CH3 पे अटैक करवाया है CH2. अगर मैं AlCl3 के साथ रिएक्ट करूंगा तो OH है, इट्स नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप. लेकिन अपन मेजर प्रोडक्ट में क्या बनाना है वो देखते हैं. मेरे पास इसमें मैं तो इसके पैरा पोजिशन पे अटैक करूंगा, क्योंकि इसके इधर अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा. तो मैं क्या करूंगा, सी एच टू है अपने पास, सी एच टू है अपने पास, सी एच टू है अपने पास. वो हीटिंग लिख दिया ना इसके साथ, वो हीटिंग बड़ा बहुत डेंजरस चीज होता है, ऐसे लिख देते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं होता हीटिंग ऐसे लिखना. सी एच टू और अपन ने इसको ना ए एल सी एल थ्री लिखा, इधर एच लिख लेते हैं, इधर अपन ए एल सी एल थ्री लिख लेते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है. अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको वन डिग्री कार्बोकैटायन बनाऊं, एल्काइल हैलाइड होता तो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता. तो क्या मुझे इसको वन डिग्री कार्बोकैटायन बना देना चाहिए, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में अगर ऐसे होता तो मुझे कुछ सोचना नहीं था, बिकॉज द हैलोजन्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप. इसलिए मैं AlCl3 से ऐसे रिएक्शन करवा लूंगा, लेकिन OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप. तो मैं इसलिए इतना सोच रहा हूं कि मुझे OH को लीव करवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि OH अगर लीव नहीं भी करेगा तब भी रिएक्शन होगा, करेगा तब भी रिएक्शन होगा. अगर OH लीव किया तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो वन टू शिफ्ट भी करूंगा, और अगर OH लीव नहीं करेगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, मैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से रिएक्शन करूंगा. OH is not a good lead, but Cl is a very good lead, क्योंकि HCl is a strong acid, H2 is not a strong acid. So अपन क्या करेंगे, अगर OH है AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये लीव नहीं करता है, वन डिग्री में, वन डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाता है. OH AlCl3 के साथ वन डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाता है. ORM4 में पढ़ेंगे, ORM4 में एलिमिनेशन पढ़ना है अपन को, उसमें पढ़ेंगे अपन ये. मतलब ये वाला रिएक्शन जो है Al2O3 AlCl3, Al2O3 इज आल्सो अ डिएडेटिंग एजेंट, ये अपन पार्ट पढ़ेंगे कि OH वन डिग्री कार्बोकैटायन, अगर आपको OH हटाना है तो मैं डिहाइड्रेशन कर सकता हूं हटाने के लिए, लेकिन मैं इसमें कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से कभी डिहाइड्रेशन नहीं करूंगा, क्योंकि वन डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाऊंगा. लुईस एसिड के प्रेजेंस में वन डिग्री कार्बोकैटायन मैं तभी बना सकता हूं जब वो डायरेक्टली थ्री डिग्री में कन्वर्ट हो, नहीं तो नहीं, जैसे मैंने पहले शुरू में क्लास के शुरू में बताया था, इसमें तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते. तो ठीक है भाई, फिर इधर अटैक करते हैं, फोर मेंबर रिंग होगा, क्योंकि इधर तो अटैक कर नहीं सकते, कम से कम यहां अटैक करने से इसका पैरा तो है, इसका पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो अपना प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, दैट इज द प्रोडक्ट. इधर OH है, इधर CH3 है, और इधर अपन लिखेंगे, इधर C डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद अपन ये प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि एक दो तीन, एक दो तीन और सिक्स नंबर, ये प्रोडक्ट बना. वन डिग्री अल्कोहल लुईस एसिड के साथ कार्बोकैटायन नहीं बना सकता, ये एलिमिनेशन में पढ़ेंगे. कुछ कुछ पार्ट ऑफ एलिमिनेशन का यूज कर लिया तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अपन ने पढ़ा है अल्कोहल का वन डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाते अपन कभी, HCl से नहीं बनाया, HBrHi से नहीं बनाया अपन ने लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में बताया मैंने आपको कि हम कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे अल्कोहल का वन डिग्री कार्बोकैटायन, उसमें SN2 टाइप रिएक्शन ही करवाए. के बाद तो जो आपने पूछा है इसमें मुझे लगता है मैंने सारे ही बता दिए. हाँ बोलो सर. वो कार्बोकैटायन नहीं बना तो जॉइन कैसे किया हमने रिंग को? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से. तो OH और AlCl3 भी रहेगा? नहीं, जैसे ही अपन इसको ऐसे करेंगे ये ले,
इसके ऊपर ऐसे बंड बनाएंगे ना, मतलब थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि उसमें पदरित चार्ज ना जाए। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ना, इधर पॉजिटिव चार्ज हो रही क्या? ओके सर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 भी है वो इलेक्ट्रो, फिर मुझे लगा कि मतलब आपको अंडरस्टूड है ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बता रहे हो, लेकिन अगर किसी भी पार्ट में डाउट है तो मेरे लिए तो अंडरस्टूड नहीं होना चाहिए। आप बता दो कि हमको अंडरस्टूड नहीं है, आप बताओ पहले। पहले अब ऑफलाइन ऑनलाइन एक मिनट में चेक कर लूँ पहले। हैं ऑनलाइन का क्वेश्चन नंबर 15 मेरे ख्याल से अभी बताया मैंने, इसने 19 भी पूछा था ऑनलाइन का। एक मिनट में 19 वाला बता दूँ मैं, एक मिनट है। 19 वाले में गिवन है अपन को Br2 इक्विवेलेंट गिवन है अपन को और एस्टर गिवन है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अपन चेक कर लेते हैं। पहले अपन पहले कंपाउंड बना लेंगे। अब ये कंपाउंड अपन इस चैप्टर के बाद ना जो भी अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे ना उसमें अपन ऐसे जब डिस्कस करेंगे उसको ताकि अपन को पता रहे कि भाई ठीक है ये कंपाउंड गिवन है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ साथ। आप कंसेप्ट भी पढ़ के आओ, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे सॉल्व के साथ, अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देख एक बात है, Br2 और 1 इक्विवेलेंट और MeOH के बने, ठीक है भाई, दो थोड़ा सा पोलर सॉल्वेंट दिया है, 1 इक्विवेलेंट है अपने पास और MeOH के, पता अपन क्या करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना, MeOH के बने। अब अपन एक बात तो पक्का अपन को पता चल गया कि देख भाई ना तो Br2 यहां अटैक करेगा और ना ही Br2 इससे रिएक्ट करता है। Br2 डबल बॉन्ड पे अपन साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएंगे, ऐसे बना देते हैं, लो भी बना दिया। अब क्या तो अपन कहेंगे, देखो मेरे पास ना एक मतलब दो चॉइस है मेरे पास, मैं यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखूं और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखूं, ये डैश हो गया, ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश होगा क्योंकि यहां पर मैं ड्रैग होगा, इसलिए अपन सबको पता होना चाहिए, अब पोलर इफेक्ट सबको पता होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश ज्यादा है इससे, इसलिए इस पर रिएक्शन भूल जाओ, वही रिएक्शन करते हैं। तो एक तो मेरे पास ये है कि मैं इसको अटैक करवाता हूं और इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं तो रिंग बन जाएगा, ऐसा इधर भी आर लग जाएगा, अपने पास ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है अपन को। देखो इधर ऑक्सीजन है, इधर सी डबल बॉन्ड है और इधर सी एच थ्री, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर अपने पास ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और इधर बी आर आ गया अपने पास और इधर एक ऐसे बन जाएगा अपने पास, अपन कहेंगे ऐसे बना सकते। अब प्रॉब्लम मेरे पास इसको बनाने में कोई है नहीं, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम आएगा कि ब्रेक किसको करोगे ना, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है भाई, अगर एस्टेटाइन होता तो मैं कहता एसिड लीव कर रहा ना, सीएल लीव करता अच्छा लीविंग ग्रुप है, CH3Cl नेगेटिव लीव करता तो अच्छा ग्रुप था। इस बॉन्ड को मैं ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि आपने बता रखा है कि बेंजीन से अगर कोई ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर तो उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, इसलिए मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता। अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप तो है नहीं, तो ये स्टेप हो नहीं सकता, तो मैं फंस गया। फंस गया कैसे, कि इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं कर सकता, वापस बनाओ। तो दूसरा अपने पास क्या चॉइस है, अपन कहेंगे दूसरा चॉइस ये है कि इसको अटैक करो, इसको मत करो, ये है तो आपके पास अल्कोहल, इधर अटैक करो क्योंकि वो पोलर इफेक्ट के हिसाब से वहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अपन कहेंगे इसको हटाते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे बना लेते हैं। वो तो एंटी एडिशन होता है, अगर अपन को देखे वो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे अपन तभी बात करेंगे, वरना सीधो ओएमई लिखते हैं, बस खत्म करते हैं। एडिशन एंटी होता है ये अपन को पता है, अपन कहेंगे या तो ये बन सकता है अपने पास, बस यही चॉइस है। तो अपन कहेंगे देखो मेरे पास दो ही चॉइस है, या तो मैं अगर इसको अटैक करवाता तो यहां पर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था इसलिए मैं कर नहीं सकता, इसलिए मुझे क्या सोचना पड़ा कि इसको अटैक करवाते हैं, उसको अटैक करवाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है इसमें,
यहाँ अटैक कर नहीं सकते क्योंकि पोलर इफेक्ट से वो वहीं अटैक करेंगे। पहले वाले में BR और OME वो तो गलत है, इधर OME तो लिख नहीं सकते। दूसरे वाले में ऊपर OME नीचे BR वो हो सकता है। थर्ड वाले में आपने BR इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, BR2 सिर्फ BR2 से विदाउट लुईस एसिड, सो 3 हो नहीं सकता। फोर वाला अगेन इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक बताया आपने, वो हो नहीं सकता। मतलब 3 और 4 तो मुझे सोचने भी नहीं थे, वो तभी सोचता मैं जब BR2 के साथ आप Fe लिखते या लुईस एसिड लिखते। ये आपका ORM2 है, खत्म हो गया ORM2, राइट। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर कुछ है तो आप मुझे बता दो, अदरवाइज अपन डिस्कस करते हैं। सर एक डाउट था। बोलो सर, अगर किसी केस में हम कार्बोकैटायन बना रहे हैं और उसका 6 मेंबर रिंग बन सकता है अगर वो 1 डिग्री हो, तो हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे इफ 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल, मतलब कार्बोकैटायन बना? हाँ सर। तो फिर करेंगे तो 5 मेंबर बनेगा ना फिर, अगर 2 डिग्री बन गया। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाऊंगा ओके सर। और भी मतलब इसमें थोड़ा और डेप्थ में अपन क्वेश्चन करेंगे, वो अपना एक क्लास भी अभी बाकी है क्योंकि वो मेन पार्ट जो है वो तो अभी अपना बाकी है, मतलब उसमें भी दूसरे क्लासेस में भी, तो अपन देखेंगे उसको करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा। और अभी आप जितना अपन ने पढ़ा ना उसको मतलब एकदम बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, फिर तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि यही टाइप के तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं अपने पास जिनसे अपन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो अपन नहीं करेंगे। तो किसी ने 9th वाला भी पूछा है कि एक बार 9th भी बता दीजिए, एक बार जल्दी बता दो ना। अच्छा जल्दी बता दो, ठीक है 9th वाला जल्दी हो गया भाई। Which of the following compound will not undergo Fiddle Crafts reaction? हाँ तो देख लेना, जिसमें CL bond break नहीं होगा वो नहीं करेगा। अपन ने लिखा तो है low reactive, तो इनमें से किसमें double bond set आज है? 4th वाले में। तो अपन ने लिखा तो है low reactive, aryl halide और vinyl halide ऐसे। अगर ये low reactive होता है ना, क्योंकि इसमें partial double bond नहीं है वाला, तो low reactive है, तो answer will be 4, 9th वाले का। फिर अपन से पूछा major product of this reaction, हाँ तो major product अपन को पता तो है भाई, अगर BR2 रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे तो ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है यार, ये कंपाउंड इसका ब्रोमिनेशन करना है, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, तो अपन ने बताया तो था कैसे, अपन को पता है अब रेडिकल इधर 3 डिग्री बनेगा, बना दूंगा, ये लो भाई रेडिकल बन गया। अब क्या अपन ने कहा था अगर रेडिकल कॉन्जुगेशन में है तो करो, किया। अब क्या दोनों में से कम स्टेबल रेडिकल कौन सा, ये वाला, तो इससे प्रोडक्ट बनाओ, बना दिया, ये लो जल्दी से बता दिया मैंने भाई, अब जो भी है बता देना आंसर अपना, है ना। तो अपन ये आंसर बता सकते हैं, ये तो अब ये भी आंसर बनेगा, ये भी आंसर बनेगा, बट मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा, ये दोनों ही प्रोडक्ट हो सकते हैं। चलो हो गया, कह रहा 22 वाला भी बता दीजिए, 22 वाला है इसमें 21 22, हाँ तो 22 वाला हो जाएगा, HBr एक्सेस में है ना, हाँ तो करो ना ये भाई, देखो HBr इन एक्सेस मेरे पास है, कैसे रिएक्शन है CH डबल बॉन्ड CH CH3 लिखने पर, HBr in excess ना, तो एक बार H plus ion इस पे अटैक करवाते हैं तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर H, बाद में Br ऐड कर लेंगे इसमें, लो भाई HBr हो गया। अब क्या ये भी तो लोन पेयर है, इस पे भी अटैक करवाओ H plus ion को, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है तो इस पर अटैक करवा लेते हैं, लो भाई एक प्रोडक्ट बन गया मेरे पास CH3Br plus एक बन गया ऐसे, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं मेरे पास, ये बेंजाइलेट था ना कार्बोकैटायन मेथड, ये लो भाई ये प्रोडक्ट बने मेरे पास। वैसे कुछ दो प्रोडक्ट वाला कंपाउंड है कोई नहीं, अपन को ये वाला के बने, लेकिन ये बने ठीक है ना, अपन वैसे भी करके दे सकते हैं अपन को कभी कभी, मतलब ऐसे ये लो भाई इसका बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कोई बात नहीं बना दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा,
कितना भी ले सकते हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। इसमें भी अपन HBr का एडिशन कर देते हैं, HI का एडिशन। तो जैसे HI का एडिशन होता है, मैंने आपको बताया था HBr के एडिशन में बस अपन को हीट करना होता है, ये बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं, तो इधर Br और इधर H कर देता है। ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है, तो इधर क्या कर देते हैं, H और इधर Br कर देता है। ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है, तो इधर Br कर देते हैं, इधर H कर देते हैं। ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है, तो इधर H कर देते हैं, इधर Br कर देते हैं। लो भाई, प्रोडक्ट बन गया आपका। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था वो, और अपन ने ये कंसेप्ट सीखा था क्लास में, प्रीवियस क्लास में अपन ने ORM3 पूरा किया था, उसके एप्लीकेशंस पढ़े अपन ने। तो अभी अपन क्या करना है बोलो, आगे आगे क्या शुरू करना है अब ना? आप इलेक्ट्रो के ही डाउट पूछ लो, क्योंकि मैं शुरू नहीं करना चाहता ORM4। वैसे अपन को ORM4 शुरू करना था। बताओ पहले तो आप इलेक्ट्रो के डाउट पूछो अपने, बाद में मैं कुछ और करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट पूछ लो अपने, मेरे ख्याल से अपन ने मतलब काफी सारे डाउट तो वैसे कर लिए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कोई डाउट है जल्दी करो। एक्सरसाइज 3 बचा हुआ था शायद, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया था हमारा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया था, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 बिल्कुल पार्ट 3 अपन को, और पार्ट 4 बचा हुआ था। बस बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। पार्ट 4 बचा हुआ था, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 का 11th क्वेश्चन पूछा है, मैं एक मिनट में बताता हूँ पार्ट 3 का 11th क्वेश्चन, एक सेकेंड बस 11th, क्योंकि काफी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे उस दिन। मैं 11th क्वेश्चन बता देता हूँ। 11th वाले क्वेश्चन में अपन को गिवन है, the resistance of the KCL was were measured using conductivity cell of different conductivity cells, right? Na? Different conductivity cells of different constants at same temperature. Consider the following concentration is less than 0.1. The specific conductivity, matlab, theek hai, of the solution is directly proportional to the कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, 0.1 था तो सेल कॉन्स्टेंट 1 था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जब 0.1 था तो सेल कॉन्स्टेंट 1 था। तो अपन ऐसे करते थे ना इसमें, और अपन ऐसे कर लेते हैं, अपन को पता है मोलर कंडक्टेंस इज जी 1/R इंटू एल बाय ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है। आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वर्ड यूज किया है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, तो 1/kappa, ये 1 गिवन है मुझे, नॉट यूज के ना, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, अब अपन को गिवन है कॉन्सेंट्रेशन, जब ये 0.1 है, सॉल कॉन्स्टेंट 1 है, तो जीवन क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेरिजन बिटवीन देयर कंडक्टेंस आर करेक्ट, जीवन इज मैक्सिमम, तो सेल कॉन्स्टेंट अपन को 1 गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 गिवन है। तो अब इनमें से कौन सा वैल्यू मैक्सिमम आएगा, चारों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो एक बार, जीवन कैलकुलेट करते हैं। जीवन इज इक्वल टू, ये तो अपन को 1/R तो गिवन है कॉन्स्टेंट, एल बाय ए 1 है, मल्टीप्लाई बाय अपन को कितना गिवन है 1000, और डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन इज 1.1 मिल रहा, तो ये जीवन आ गया अपने पास। G2 is equal to हो जाएगा 1/R, that is a constant, ये अपन को गिवन है कितना 10 multiply by 1000 और divide by गिवन है अपन को 0.1, तो सही नहीं है, नहीं ये तो और भी ज्यादा हो गया। G2 G3 लिख लेते हैं, G3 मेरे पास आया, that is 1/R है, और ये अपन को गिवन है 0.05,
0.005 है ना, हाँ मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट अपने पास नहीं, पहले तो सेल कांस्टेंट है अपने पास 5, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय होगा 0.005, और जी फोर अपने पास गिवन है दैट इज 1/R इंटू, ये कितना गिवन है अपने पास 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.0025, ये गिवन है भाई अपन को, कैलकुलेट कर लो G1, G2 और G3 एक रिलेशन आ गया अपने पास। Everybody got it? तो इन सब में अपन को वैल्यू पता चल गया, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, कौन सा मिनिमम होगा, कौन सा मैक्सिमम होगा और कौन सा ज्यादा होगा। वैसे अपन इन दोनों में कैलकुलेट करके तो बता ही सकते हैं, 5 कैंसिल करके 10^-7 हो गया ये, और ये 10^-, अगर ये 10 है तो G2 हो गया कितना अपने पास, ये हो गया 10, तो 1000 10^4 हो गया, और 2 10^6 हो गया, G3 > G7 ना, G3 > G2 तो आ ही रहा है। तो अपन को क्या बताना था, इज और आर करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन है, बता दो। ये P4 कहां से आ गया भैया एक्सरसाइज 2 में, अच्छा पार्ट 4 है, ये भगवान पार्ट 3 का कुछ और है, पार्ट 3 का 6-7 का डी दिया है तो अच्छी बात है ना, क्यों परेशान है। 3 मोल्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अपन को बता रहा है, 6 को वो बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू द सॉल्यूशन कंटेनिंग AgNO3, तो इसके 3 मोल डिपॉजिट हो जाएंगे, ये कॉपर सल्फेट है तो ये प्लस 2 है, तो 3 मोल से इसका 3 मोल्स डिपॉजिट होगा, इसका 1.5 मोल डिपॉजिट होगा, और इसका कितना हो जाएगा AuCl3, मतलब इसका AuCl3 तो इसका 1 मोल डिपॉजिट होगा, तो इसमें रेशियो जो आएगा ना वो 6:2, 2:1 आ जाएगा, 1.5 ना 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3:1 आ जाएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो क्या गिवन है, डी आंसर आता रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो मोलर रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ कैटायन रिड्यूस्ड एट द कैथोड इज, हाँ तो सही तो आ गया, डी तो है। अच्छा उसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, उसका क्या रोल था, रोल नहीं था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा 1 cm³ के लिए होता है, वो 1 cm³ के लिए होता है, इसलिए तो मैंने कांस्टेंट ले लिया उसको। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सेम क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस, ये सीधे सीधे चार्ज से बताओ ना क्या प्रॉब्लम है उसमें, भाई पहले वाले सेल में Fe+2 है, दूसरे वाले सेल में Fe+3 है, थर्ड वाले सेल में फिर Fe+3 है, लेकिन इसमें Fe2+3 है, चलेगा तो अपन को क्या फर्क पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू दिस, नहीं वो दूसरा वाला है, इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेनिंग दिस दिस एंड दिस, देन द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन दिस दिस आर इक्वल, अमाउंट ऑफ आयरन तो इक्वल ही होगा, नहीं अमाउंट ऑफ आयरन इसमें 3 मोल्स में कितना हो जाएगा, ये अलग होगा, क्योंकि इसमें 3 मोल्स में तो 2 मोल से इतना, तो 1 मोल से 1.5 मतलब 1.5 मोल्स हो गए, इसमें एक ही मोल डिपॉजिट होगा, इसमें भी एक ही मोल डिपॉजिट होगा, प्लस 3 चार्ज है ना, तो इसका 1 मोल आयरन के लिए 3 मोल चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 3 मोल चाहिए, लेकिन इसमें तो 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए 2 ही मोल चाहिए, और 3 मोल पास करेंगे तो 1.5 मोल्स हो जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा डिपोजिशन होगा। बी आंसर था कि द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन दिस इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ दिस, हां ये करेक्ट है इसके कंपैरिजन में, सी वाला द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन दिस इज दिस एंड दिस आर इक्वल, बीट करेक्ट था अपना, और द सेम अमाउंट ऑफ गैसेस इवॉल्व इन ऑल 3 केसेस, तो एक बार अपन देख लेते हैं भाई इसमें क्या एक्वस सॉल्यूशन था ना, हाँ तो सब में O2 लिबरेट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं है ना, नहीं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होता तो सल्फर का अपन को परऑक्साइड लिखना पड़ता, इसलिए मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं है, ठीक है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी है,
क्योंकि सभी में वाटर का रिएक्शन होगा ना, ओटो का ओटो लिबरेट होगा करेक्ट है। पार्ट फोर की बात करते हैं अभी, पार्ट फोर देख लेते हैं। पार्ट फोर में क्या पूछा है तुमने? अब भाई पार्ट थ्री का क्वेश्चन नहीं पूछना, पार्ट फोर वाले बताएंगे, फिर पार्ट फोर का बाद में पूछना है। पार्ट थ्री अगर कुछ बचा हुआ है एक बार मैं फोकस करके एक मिनट देख लेता हूँ क्या क्या पूछा तुमने। अरे पार्ट फोर में फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, थ्री भी पूछा है, कर लेंगे ना थ्री वाला, कोई प्रॉब्लम। पार्ट फोर में थ्री फोर फाइव टेन एंड ट्वेल्व, थ्री फोर फाइव टेन ट्वेल्व हो गया। चलो देखते हैं अपने विक्रम 15 क्यों लिख रहा है, पता नहीं 15 कहां से लिखा इसने, होगा शायद इसमें, अपन देखते हैं। पहले 3-4 की बात करते हैं। ये कह रहे हैं 3 वाले में ऊपर अपन को गिवन है लैटिमर डायग्राम, ठीक है अपन को पता है लैटिमर डायग्राम क्या होता है, ओके। एसिडिक सॉल्यूशन में गिवन है और बेसिक सॉल्यूशन में गिवन है, ठीक है, अलग अलग होंगे अपन ने पढ़ा हुआ। वन और टू में कोई डाउट नहीं, अपन को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सीएल टू अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन टू सी एल माइनस एंड सी एल ओ, लैटिमर डायग्राम से ही बता पाऊंगा भाई, तो सी एल ओ माइनस एंड सी एल ओ बोथ एट पीएच इज इक्वल टू जीरो एंड पीएच इज इक्वल टू 14, मतलब वो कह रहे हैं एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम है, तो अपन लैटिमर डायग्राम से बताएंगे। अब हो गया कंप्लीट, नहीं मुझे लगा वो आगे पीछे तो नहीं होगा। तो चलो भाई दोनों में एन फैक्टर इज वन, तो एन फैक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सही है, सही नहीं है, गलत है। ऊपर वाले में राइट हैंड साइड वाला कम गिवन है लेफ्ट हैंड साइड वाले से, और लैटिमर डायग्राम में अपन ने क्या सीखा था, एसआर पी वैल्यू अगर राइट हैंड साइड वाला मतलब एन वन ई वन और एन टू ई टू लिखा था ना अपन ने, तो राइट हैंड साइड वाला अगर बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले से तो बीच वाला जो होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, दैट इज अ लैटिमर डायग्राम, ऊपर वाला नहीं होगा एसिडिक मीडियम वाला, ये गलत है। दूसरा सेंटेंस की बात करते हैं, सीएल टू अंडरगोज, हाँ तो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा था एसिडिक में नहीं हो रहा था। सीएल टू अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम बट नॉट इन एसिडिक मीडियम, ऊपर वाला, हाँ ये करेक्ट है, वो सही था, क्योंकि एसिडिक मीडियम में राइट हैंड साइड वाला 1.36 है ना और लेफ्ट हैंड साइड वाला 1.67 था, जबकि बेसिक मीडियम में राइट हैंड साइड वाला 1.36 है और ये 0.42 था, वो करेक्ट। लैटिमर डायग्राम में जो अपन ने सीखा था वो बिल्कुल यही है, तो अपना ये पार्ट हो गया थ्री वाला। अब आपने थ्री भी फोर पूछा था, फोर भी पूछा था, फाइव भी पूछा था, चलो पहले फोर की बात करते हैं अपन। अब फोर की बात करते हैं, फोर वाले में लिखा है फॉर द फॉलोइंग, अच्छा तो मैं इसको थोड़ा लिखूंगा भी ना, क्योंकि लैटिमर डायग्राम तो अपन ने बनाया था डायग्राम, इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अपन ने यही डायग्राम भी ये पूरा सेल भी पढ़ा था अपन ने लैटिमर डायग्राम में, तो अपन ने कहा था पहले बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करके फिर अपन ने इसको डिस्कस किया था। अब ये ना फ्रॉस्ट डायग्राम जो है ना, वो फ्रॉस्ट डायग्राम अपन को ये बता, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ फिर तुम अपने आप कर लेना सॉल्व। वो कहता है डेल्टा जी नॉट वर्स अपॉन एफ पर फैराडे ऑफ चार्ज, तो अपन को पता था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ नॉट, तो ठीक है आपने डेल्टा जी नॉट बाय एफ लिखा है तो माइनस एन ई नॉट ऑफ द सेल बच गया, तो ठीक है भाई आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नंबर की बात कर रहे हो, मतलब एन की बात कर रहे हो आप ऑब्जर्वेशन नंबर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन नंबर जीरो भी लिखा है, माइनस वन भी लिखा है और प्लस वन भी लिखा है, प्लस टू भी लिखा है ऐसे, तो अपन क्या करेंगे ना, जिसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा कम होगा है ना, वो ज्यादा स्टेबल ऑब्जर्वेशन नंबर होगा, तो अपन ऐसे करते हैं, ठीक है ये प्लस वन है, मैं डायग्राम को ही बता रहा हूं आपको पास, पता अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे विच ऑफ द ऑब्जर्वेशन स्टेट इज लीस्ट स्टेबल, कौन सा ऑब्जर्वेशन स्टेट ज्यादा कम स्टेबल होगा, तो प्लस वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। अब ऑब्जर्वेशन नंबर में अपन को गिवन है माइनस वन ऑब्जर्वेशन स्टेट, जीरो ऑब्जर्वेशन स्टेट, प्लस वन ऑब्जर्वेशन स्टेट, प्लस टू ऑब्जर्वेशन स्टेट, प्लस थ्री बता देंगे, उसका डेल्टा जी सबसे ज्यादा, डेल्टा जी पॉजिटिव का फिर डेल्टा जी ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्योंकि नेगेटिव होगा ये थोड़ी लिखा है इसमें, माइनस साइन कहीं नहीं दिख रहा अपन को,
तो जिसका डेल्टा जी ज्यादा होगा उसने क्या लिखा, लीस्ट स्टेबल। रुको 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 रुको, लीस्ट स्टेबल में एक और पार्ट आएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला पार्ट। भाई डिस्प्रोपोर्शनेट होके कहां जा सकता है वो, है ना? तो अपन डिस्प्रोपोर्शनेट वाला पार्ट भी बता सकते हैं इसमें। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लीस्ट स्टेबल की बात कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम यह कि ये अपन को साइन दे देते हैं ना इसका, ये वाले साइन गायब है। अब मैं साइन के बारे में सोच रहा हूं कि इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं ना, एन एफ इन आउट ऑफ द साइन, इसलिए मैं इतना सोच रहा हूं। डेल्टा जी नॉट कम तो होगा लेकिन साइन नहीं है ना वहां पर, इसलिए अपन को ये सोचना पड़ रहा है। ठीक है, अपन फिर भी ऐसा लिख सकते हैं। मुझे ये पता है कि ये अगर ये पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं और ये नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं, तो इधर ना इस ये अनस्टेबल होगा, तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। वैसे तो ऊपर ही लिखा था अपन को, उसने बता ही दिया था अपन को कि देखो भाई ये इसमें और इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, ये इसमें और इसमें, मतलब प्लस टू वाला है प्लस थ्री में डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है क्या? तो ऊपर अपन लेटे में डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। प्लस टू वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस टू क्या, प्लस थ्री वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस टू वाला तो है ही नहीं, ये तो प्लस वन है। तो जीरो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा था बेसिक मीडियम में। अब एक मिनट है, फ्रॉस्ट डायग्राम के बारे में कुछ लिखा हुआ है वहां पर, अपन वहां से देखते ना, फिर तो अपने लिए कोई काम ही नहीं है ना। इधर पढ़ लेते ना, कुछ कुछ एक्सप्लेन किया है उन्होंने, मैं इसके लिए जो देख रहा था ना वो शायद फ्रॉस्ट डायग्राम के लिए एक्सप्लेन किया है उन्होंने। इफ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इन द नेक्स्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेशन अकर्स। If the given oxidation state is stronger oxidizing agent, तो भाई Cl2 जो है, ClO negative is a stronger oxidizing agent. The reverse of disproportionation is comproportionation. The relative stabilities of the oxidation state can be understood by the diagram delta G0 divided by this against oxidation state known as Frost diagram. Choosing the stability zero oxidation state arbitrarily as zero, the most stable oxidation state of the species lies lowest in the diagram. अरे वो तो नहीं बताया ना, इसमें ना लिखा हुआ ना the most stable is this and least stable is this, हो गया लिखा तो है साफ साफ, वो साइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को। अब इसमें साफ साफ लिखा था disproportionation is spontaneous if all the species lies above the लाइन ज्वाइनिंग द टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो लीस्ट स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सबसे ज्यादा स्टेबल चाहिए, हो गया। ये तो लिखा ही हुआ था, ये तो इतना क्लियरिटी से लिखा हुआ है कि उसकी जरूरत ही नहीं है अपन को। अब अपन फाइबर क्वेश्चन नंबर क्या लिखे अपन, फिफ्थ वाला, तो बता देंगे ना फिफ्थ वाला, जीरो वाले को डिस्प्रोपोर्शनेट कर दो इन दोनों में, इसको डिस्प्रोपोर्शनेट कर दो इन दोनों में। डिस्प्रोपोर्शनेशन जो इसका इसमें और इसमें हो सकता है, इसका इसमें और इसमें हो सकता है, बता दो। थर्ड क्वेश्चन में कैसे चेक किया वो देखना है। लो भाई बेसिक मीडियम में ऐसे चेक कर लिया मैंने, N1, N2 और N factors, ये भी वन है, ये भी वन है। अपन ने क्या लिखा था फ्रॉस्ट डायग्राम उसमें लेटिमर डायग्राम में कि अगर ये इससे बड़ा है डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, इसलिए मैंने बोल दिया। अपन कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो आप कैलकुलेट करके दिखाओ, तो डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार इस रिएक्शन के लिखते हैं, एक बार इस रिएक्शन के लिखते हैं। डेल्टा जी नॉट तो अपन लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि इसका ई वन नॉट और इसका ई टू नॉट गिवन है ना रिडक्शन पोटेंशियल, तो एक बार अपन लिखेंगे भाई, एक बार मैं चाहता हूं ये इसमें कन्वर्ट हो जाए डेल्टा जी नॉट, और एक बार इसमें कन्वर्ट हो जाए इसका डेल्टा जी नॉट, दोनों को ऐड कर लो, जो डेल्टा जी नॉट आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। लेटिमर डायग्राम में अपन ऐसे किया था, क्यों गलत है ये, Cl2 disproportionate in this both acidic, acidic medium में क्या गिवन है ऊपर वाला जरा देखो,
एसिडिक मीडियम में ये बड़ा है इससे, ये बेसिक मीडियम में ये बड़ा है इससे, देखा? ठीक है चल कोई नहीं, दूसरा ओके। अपने क्लास में काफी कुछ पढ़ा बेटा, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है अपने क्लास में। फिर उसके बाद इसलिए तो टाइम लग जाता है क्योंकि अपन सारे कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट सारे ही पढ़ते हैं अपन। पार्ट फोर का नाइन्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे यार ये नाइन्थ क्वेश्चन पूछेगा ना सब गड़बड़ हो जाएगा। नाइन्थ वाले क्वेश्चन मतलब ऊपर वाले से कोई रिलेशन तो नहीं है ना इसका, इफ 100 ml ऑफ चेक कर लेता हूं मैं। नाइन्थ क्वेश्चन, अभी तुम्हारा क्लास तो नहीं है, क्लास है क्या अभी? नहीं है। 100 ml ऑफ HBr सॉल्यूशन, इसके मिनिमल्स मेरे पास 10 गिवन है, यूजिंग फॉर टाइट्रेटेड वेरी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। मैंने NaOH सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करवाया, ये इसके मिनिमल्स हैं। देन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट V, ठीक है, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट वी पढ़ लू है। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब अब NaBr आ जाएगा, और NaBr में अपने पास मिलीमोल्स ये है, मोलारिटी अपन को पॉइंट वन गिवन है। तो अपन कहेंगे भाई देखो अपन ने क्या किया, ये वेरी कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया कि इसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 100 है। तो NaBr का अपन को ये गिवन है, अब अपन को बता रिपोर्ट दैट सॉल्यूशन, देन द मोलर, देन द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी। हाँ तो ठीक है, ये लो कंडक्टिविटी पूछा है, ये पूछा है, ये अपन को गिवन है। ओके इनके यूनिट देखो क्या लिखे हुए, इसलिए मैंने कप्पा वाई सी किया भाई। यूनिट तो मैंने चीख चीख के बोला है आपको क्या करना होता है। आंसर अपने पास 10 ही आ रहा होगा, ये लो भाई। अब बाकी नेक्स्ट वीक, आज इतना ही पढ़ते हैं। और नेक्स्ट वीक ना अगर हम ट्यूसडे के अलावा किसी और दिन क्लास रखें तो मिलेगा ट्यूसडे को, अगर अपना आपका ना अगर वो हो गया पावर कट हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई दिन रखो जिस दिन का गड़बड़ ना हो। तो किस दिन रखोगे तुम लोग क्लास? नहीं संडे को तो पूरा दिन फ्री है, तो संडे को तो अपन डाउट क्लास रखेंगे, उसके अलावा बताओ जिस दिन पढ़ना है। थर्सडे किसी ने कहा था ना मुझसे, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे हम लोग फ्री रहते हैं सर। थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे में से एक दिन बंक हो सकता है क्या स्कूल से? कॉमन बंक ट्यूसडे को नहीं, उस दिन फिर जिस दिन मैं क्लास लगाऊंगा उस दिन आपकी फिजिक्स और मैथ्स की क्लास नहीं होगी, फिर उस दिन आपकी मैथ्स की क्लास नहीं होगी ना, मैथ्स भी नहीं होगी फिजिक्स भी नहीं होगी, फिर उस दिन सिर्फ केमिस्ट्री होगी बस, जिस दिन मैं बताऊंगा।
किस दिन रखे हैं? थर्सडे। नहीं, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, जिस दिन मतलब हमारी क्लास होगी, क्योंकि अपन जो क्लास लगाएंगे वो सुबह से लगाएंगे, क्योंकि तुम लोग स्कूल से बंक मारोगे उस दिन, तो अपन क्लास सुबह से लगाएंगे। नहीं, आप वो चिंता मत करो, आपको चिंता नहीं करना। आप तो ये बताओ कि मुझे कौन सा दिन दे सकते हो आप पूरा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, आप ये नहीं पूछ रहा कि कौन दिन आपका फिजिक्स और मैथ्स का क्लास होगा कि नहीं होगा। उस दिन नहीं होगा जिस दिन मैं लगाऊंगा। सैटरडे को चलेगा सर, कॉमन बंक, क्योंकि सेकंड सैटरडे है तो स्कूल की छुट्टी रहेगी। ये कॉमन बंक है, छुट्टी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन ना सैटरडे को थर्सडे के बाद रखते हैं, ठीक है, चलेगा। मैंने सैटरडे को फिक्स कर दिया, नेक्स्ट सैटरडे अपना मॉर्निंग क्लास होगा 8 o'clock, और खत्म होने का कोई टाइम नहीं। उस दिन पूरा दिन तुम मुझे दोगे, तुम्हारी कोई क्लास नहीं होगी उस दिन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे उस दिन, अपन मे बी पॉसिबल मैं ORM 3-4 तो अपने खत्म हो जाएगा, मैं ना आपको अमाइंस, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, अगर मेरा फिनॉल्स हो गया तो मैं बहुत अच्छा, मेरा अपना काम हो जाएगा। तो एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स और अमाइंस, तो एल्डिहाइड कीटोन्स बचेगा फिर अपना। और अगर मूड हुआ पढ़ने का और, तो या तो सरफेस केमिस्ट्री को गायब कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, नहीं तो फिर अपन केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर लेंगे। कितने आज का होगा उसका कोई लिमिट नहीं होता, तुम ये छोड़ो, 8 घंटे तक तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ा सकता हूँ, चिंता मत करो। कौन सा दिन? सैटरडे होगा ना, सैटरडे होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा ना, शाम तक अपन बस हो गए शाम को, फिर शाम को क्रिकेट खेलने चले जाना, ठीक है, मास्क लगा के, ठीक है। लेकिन अपने पास जब टाइम है तो अपन खत्म कर लेते हैं सिलेबस, अपना रिविजन शुरू हो जाएगा। एक दिन अपन मतलब बंक मारते हैं, चलेगा अपने लिए ना, सिलेबस कंप्लीट होगा तो अपन रिवीजन बहुत अच्छा कर पाएंगे सैटरडे, ठीक है ना। तो सैटरडे कंप्लीट डे ओसी एंड फिजिकल दोनों ही पढ़ेंगे अपन, पहले ओसी पढ़ेंगे, फिर अपन को लगेगा बोर हो गए तो फिर अपन फिजिकल शुरू कर लेंगे, या तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन या फिर केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर लेंगे, ठीक है जी। का फॉर्म अभी टाइम है, आएगा आएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा, ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीबॉडी।